मोदी के कार्यक्रम में शरीक होने के लिए यहाँ पे कुछ बौद्धिस्ट हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम कन्नौज से आए हैं। कन्नौज से आए। क्या उम्मीदें हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने जा रहा है आप लोगों के? तो हमारे यहाँ शांति का मतलब उम्मीद ज्यादा है, हर तरह से शांति मिलेगी। और क्या ढेर सारी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री से? और क्या उम्मीदें हैं आपकी? क्या बताएं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो आए कुशीनगर में यहाँ पे पधार रहे हैं, तो मुझे ये बहुत बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा देश का पीएम आज कुशीनगर में तथागत गौतम बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण स्थली है वहाँ पे पधार रहे हैं। तो बुद्ध के विचारधारा को लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विचार है बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं, इससे पूरे भारत में ही नहीं अपितु तो विश्व में यह संदेश जाएगा कि भारत बुद्धमय बनने के लिए अग्रसर हो रहा है। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं? आज प्रधानमंत्री हमारे जी आ रहे हैं दिल्ली से, तो हमारे देश के विकास के लिए काफी बहुत कुछ वे कहेंगे और यहाँ पर एक हवाई पट्टी का जो है उद्घाटन करेंगे, जिससे देश विदेश के पर्यटक आएंगे और उसको लाभ उठाएंगे, उसका लाभ उठाएंगे। इनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री का निर्वाण स्थल पे कार्यक्रम कहीं ना कहीं एक मैसेज देगा और बौद्धिस्ट के तरफ, जिसे विश्व में मैसेज आएगा कि हिंदुस्तान भी बौद्धिस्ट के तरफ अग्रसर हो रहा है। कहा जाता है कि बुद्धम शरणम गच्छाम, बुद्ध के शरण में जाइए। सहयोगी हरिओम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, कुशीनगर।